हाय फ्रेंड्स, मैं आमसु यह और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। चलिए एक बड़ी चीज का खुलासा कर देता हूँ, बता देता हूँ आपको ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के बारे में। जी हाँ, काफी दिनों के बाद एक अपडेट लेकर आया हूँ मैं। हाल फिलहाल में आमिर खान चाइना गए थे और कई लोगों से उन्होंने मुलाकात की। उनकी वहां की जो फिल्म का एक होता है, फिल्म सोसाइटी कुछ होता है, वहां पर जाकर उन लोगों से मुलाकात की, बड़े लोगों से। और साथ ही ये भी कहा कि वो चाहते हैं कि कोई चाइनीज फिल्म में वो काम करे, इंडो और चाइना, यानी कि इंडो और चाइना के बीच में फिल्म बने और उसमें वो काम करे। तो बहुत एक्साइटेड है, बहुत सारी चीजों के बारे में उन्होंने इंटरव्यू में बताया। उनसे जब पूछा गया ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के बारे में, उनके कैरेक्टर के बारे में, तो आमिर खान ने कहा कि यार ये कैरेक्टर किसी का सगा नहीं है, ये ना तो फिरंगी है क्योंकि इसे इंग्लिश बोलना आता नहीं, लेकिन रपट पटर जो भी बोलते हैं ना, एकदम वैसा बोलता रहता है, मतलब बिंदास कुछ भी मुंह में आया तो बोल देता है। वो आपको ट्रेलर में समझ में आ गया होगा। अब ये है तो कौन है फिरंगी मल्हा? ठीक है, ये आमिर खान ने रिवील किया है कि ये विलन नहीं है, इज नॉट ए विलन दोस्तों, ये तो बड़ी बात हो गई। ठीक है, लेकिन ये पूरी तरह हीरो भी नहीं है। आमिर खान ने कहा है कि किसी का ये कुछ भी कर सकता है बंदा, अनप्रेडिक्टेबल एक कैरेक्टर है, यानी उनका जो कैरेक्टर है। और लेकिन ये ओवरऑल एकदम नॉर्मल जो हीरो होता है ना, वैसा हीरो नहीं, बट हाँ कहीं ना कहीं हीरोइज्म जरूर करता है, अपना मतलब ही रहता है एक नंबर का, मतलब किसी लेना देना नहीं, अपना ही फायदा देखने का भैया, अपना ही फायदा, अपने बॉलीवुड क्रेजी चलना मांगता है भैया, किसी का कोई चैनल चलना नहीं मांगता, ऐसा सोचने वाला। आई होप एग्जांपल समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे फिरंगी मल्ला क्या करता है कि यार जहां से उसको फायदा मिलता है ना, वहां से फायदा लेता जाता है, क्योंकि लालची रहता है, लोभी रहता है। लोभी इंसान की क्या जात, कुछ नहीं होती भैया, उससे सिर्फ लालच ही मारता है, लालच ही से वो आगे बढ़ता है ना। तो ये बंदा वैसे ही लालची रहता है। अंग्रेजों से जहां पे अच्छी अच्छे खासे पैसे मिले तो वहां चला गया, यहाँ पे जो ठग्स है उन लोग से अगर उसको अच्छा फायदा हो रहा तो उनके पास चला गया। तो इस तरह की चीजें हैं, लेकिन लास्ट में आई थिंक सीधी सी बात, अगर हीरोइक कैरेक्टर जो आमिर खान खुद रिवील किया है, इसका मतलब साफ है कि अफकोर्स अंग्रेजों के खिलाफ वो जाएगा ही जाएगा हर हाल में, यानी ठग्स को ही सपोर्ट करेगा। ये चीजें रिवील हो चुकी है, एक बहुत बड़ी चीज है जो आमिर खान ने खुद रिवील की। ये मत बोले अबे सूर्या तूने क्या बोल दिया, अबे हमारा पिक्चर देखने जाने वाला था ना, तो जाइए फिल्म देखने और इंजॉय करिएगा, क्योंकि मैं भी इंजॉय करूंगा। लेकिन फिलहाल ये बड़ी बात है कि आमिर खान का कैरेक्टर एक हीरोइज्म से भरा करेक्टर है, भले ही पूरी तरह से हीरो नाम दिखाया गया हो स्टार्टिंग से लेकर ट्रेलर में, लेकिन बंदा लास्ट में सपोर्ट करता है हमारे ठग्स को, ऐसा समझ में आ रहा है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा है, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। चलिए फिलहाल कितना ही, बाय।